children, how are you all? Fine. Welcome to today's video, that is unit 2, and we are going to see now the poem, that is the kite. Okay children, all of us like to fly kites. Sabko patang udana bahut hi पसंद होता है. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? कभी आपने प्रयत्न किया, कोशिश की उसे उड़ाने की? रीड दिस पोयम अबाउट अ काइट, हैज इट फ्लाइज इन द स्काई. अब हमको पोयम जो है वो देखनी है कि इसमें आकाश में जो काइट है वो कैसे उड़ रही है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स ए काइट व्हेन इट्स न्यू. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्लू मीन्स यहाँ इट इज़ कम्पेयर टू स्काई. जो आकाश जो है वो ब्लू है और क्लियर है, जहाँ जो नई पतंग उड़ रही है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है. विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. मतलब जब पतंग हवा में उड़ रही होती है तो इट स्नैप्स मीन्स एक आवाज़ जैसे, एक क्लचर्स आवाज़ जैसे आ रही है जब उसकी पूछ, टेल मीन्स पूछ जब हिल रही है. देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल. देन सोर्स लाइक ए शिप, शिप मतलब जो समुद्र के अंदर जो शिप चलती है, जब हवा आती, जब पानी की लहरें जो होती है उस लहरों के ऊपर क्या होता है, शिप होती है, और हवा के चलते वो क्या होती है, सेल मीन्स तैरती है, चलने लगती है अपने आप से. उसी तरह पतंग भी है. हैज़ अवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. हैज़ अवर टाइड्स, टाइड्स मतलब जो पानी समुद्र में टाइड्स आती है, ऊपर नीचे जैसे जाती है ना पानी, उस तरह से ऑफ विंड इट राइड्स, जो हवा से चल रही है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स. उसी तरह से यहाँ पतंग जो है क्लाइम मतलब बहुत ही ऊपर चढ़ गई है और अपने आप में हवा से वो उड़ रही है अपने आप से. देन सीम्स टू रेस्ट हैज विंड फॉल्स. देन सीम्स टू रेस्ट, और फिर हमें ये देखने मिलता है जब हवा जो है वो रुक जाती है तो वो तब क्या करती है, रेस्ट मीन्स आराम करती है. व्हेन स्ट्रिंग गोस स्लैक यू विंड इट बैक. स्ट्रिंग मतलब जो तागा होता है किसका, जो पतंग का. स्लैक मीन्स लूज, जब वो ढीला पड़ जाता है तब हम क्या करते हैं, वो उसे अपने हवा में बैक करते हैं विंड. एंड रन अनटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज, और हम राह देखते हैं जब तक कि एक हवा नहीं आए अच्छे से और फिर वो पतंग उस हवा में उड़ने लगे. एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और विंग मीन्स उसके जो पंख होते हैं वो पंख जो है वो हवा के चलते भर जाते हैं और फिर से वो पतंग अपनी उड़ान उड़ने लगती है. कहाँ पर, आकाश में. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू. देखो बच्चों, ये पैराग्राफ जो है वो पहली लाइन में दिखाई दिया था, हमको बताया गया था कि जब पतंग जो है वो नई होती, नई मतलब न्यू होती है और आकाश में उड़ती है तो बहुत ही सुंदर दिखती है. बट ए रैगेटर थिंग यू नेवर विल सी. यहाँ रैगेटर मीन्स टॉर्न आउट, मतलब कि फट जाना, टूट जाना. क्या पतंग, यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री. लेकिन बच्चे, जब हम ये जो पतंग होती है वो टूट जाती है और झाड़ में अटक जाती है अपने तागे से, तो वो क्या हो जाती है, फट जाती है और उसे हम देख नहीं पाते. यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री. जब वो झाड़ में अटक जाती है और फट जाती है तो वो काइट जो है हमें अच्छी नहीं दिखाई देती है, ख़राब लगती है, क्योंकि वो उसके अंदर अटक गई है. ओके, समझ में आ गया. एंड इस ये पोयम जो है वो किसे लिखी है, हैरी बेन ने. यहाँ सुंदर बहुत ही पैराग्राफ में पहले दिखाया, बहुत ही सुंदर है, आकाश में उड़ रही है और उसे किसके साथ कंपेयर किया है, शिप के साथ. जब शिप जो है उसकी टाइड्स आती है तो हवा के चलते शिप अपने आप सेल होने लगती है. और तीसरे में हमको वो कंपेयर किया है पैराग्राफ और क्रस्ट, जितना ऊपर जाती है उतनी हवा से ऊपर ऊपर लहराते हुए अच्छे से चले जाती है. और फिर उसके बाद के पैराग्राफ में दिखाया है जब हवा जो है वो बंद हो जाती है तो वो आराम करती है. और फिर जब वो उसका तागा जो है वो स्लैक मीन्स ढीला पड़ जाता है तब वो हवा, नई हवा की राह देखती है. जब नई हवा अच्छे से ब्लो मतलब हवा फूकने लगती है तब फिर से वो ऊपर जाने लगती है. और यहाँ बचे रैगेटर, रैगेटर मीन्स वन, और जब टूट जाती है तो अच्छी नहीं दिखती है. ओके चिल्ड्रन,
समझ में आ गया ना बच्चों? ओके, देन रीड इट वंस एंड लर्न द हार्ड वर्ड्स एंड न्यू वर्ड्स. ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे.